थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या कोई रोल है, अगर है तो वो क्या। देन आंसर इज एजुकेशन अलाउज एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज हिज स्किल्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हिज लेबर। ओके, मीन्स ऐसी कौन सी चीज है, व्हाट इज दैट दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज हिम, मीन्स कि इंडिविजुअल को, मीन्स हमें अपने आप को अगर इंक्रीज करने का या इम्प्रूव करने का जो मौका देती है, तो वो चीजें या हमारी स्किल्स डेवलप होती है किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से। क्योंकि अगर हम, ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन एक बहुत छोटी सी चीज है, उसको हम एक या दो दिन में कवर अप कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। नहीं, आपको पता है कि आप बचपन से, जैसे आप नर्सरी से ट्वेल्थ तक का एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कि आपकी बेसिक एजुकेशन हो गई, उसके बाद आप किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई ट्रेनिंग लेते हैं या आप आगे ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं या जो भी चीजें हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल किसका है बेटा, एजुकेशन का। एजुकेशन अलाउज एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज हिज स्किल्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हिज लेबर। ओके, तो एजुकेशन ही है जो हमें हमारी क्वालिटी को बढ़ाने का, हमारी सर्विस को एक तरह से सेल करने में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एजुकेशन का ही है। मीन्स हम अपनी स्किल्स के बेस पे ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इम्प्रूव्स हिज वैल्यू, इससे क्या होता है कि ये मनुष्य की वैल्यू को बढ़ाती है इन द जॉब मार्केट एंड टेक्स ए हायर सैलरी। ठीक है, अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को कहें कि जो इलिटरेट है बिल्कुल, और उससे आप कहें कि आपको मार्केट में जाना है और अच्छा पैसा कमाना है या आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड, बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो एबिलिटीज नहीं है जिसके बेस पे वो अपने आप को या अपनी कोई सर्विस जो है कहीं भी मार्केट में दे सके और एक हायर सैलरी टेक कर सके, ले सके। ठीक है, सो दिस इम्प्रूव्स, मीन्स एजुकेशन इम्प्रूव्स हिज वैल्यू इन द जॉब मार्केट एंड टेक्स ए हायर सैलरी। इसी के बेस पे हम जॉब मार्केट में अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं एंड टेक्स ए हायर सैलरी, वो एक अच्छी सैलरी जो है प्राप्त करते हैं। सो द इंडिविजुअल्स देन कंट्रीब्यूट इन द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड दस इंक्रीजिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब देखो, ये इंडिविजुअल के लिए तो हो ही गया कि हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हम अपने लिए बेनिफिट की बात करते हुए चले तो ये हमारा इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, बिकॉज एजुकेशन तो हम गेन कर रहे हैं। अब हम कहेंगे कि भाई इससे प्रॉफिट भी हमें है क्योंकि हम सैलरी अच्छी हम ले रहे हैं ना, इससे कंट्री को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, हमारी वैल्यू कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी एड होती है। सो दस इंक्रीजिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो इकोनॉमी है वहां पे हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अपनी वैल्यू को एड करते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल्स जो भी हैं, जो एजुकेटेड हैं या जो अच्छी जॉब जो कर रहे हैं या किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कंट्रीज इकोनॉमी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, मीन्स ऑल आर एजुकेटेड पर्सन ऑब्वियसली। सो द इंडिविजुअल देन कंट्रीब्यूट इन द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन में हम अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए सो एंड दस इंक्रीजिंग द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं ऑफ द कंट्री। सो फोर्थ पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन कोजेज ए हायर अर्निंग। मैंने आपको बताया था कि लर्निंग ही हमें बेटर अर्निंग दिलाती है। मीन्स हम सीखते हैं कब, एजुकेशन टाइम हमारा कब होता है, जैसे अब आपका स्टूडेंट, आप जो क्लासेस ले रहे हो, आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम में आप लर्निंग का वर्क करते हैं और इन फ्यूचर आप अर्निंग करेंगे उससे। सो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, ओनली दैट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। ओके, द इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन कॉजेज ए हायर अर्निंग। तो आपका जो अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके एजुकेशन पे, तो वो आपको इन फ्यूचर क्या दिलाएगा, हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो आप कंट्री पे एक लायबिलिटी नहीं, एक एसेट बन के काम करेंगे, बिकॉज यू आर एजुकेटेड, यू आर एबल, ठीक है, एंड यू आर स्किल्ड। जब आप स्किल्ड हो, आप एजुकेटेड हो और आप उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आप अपने आप को मान सकते हो कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री की इकोनॉमी में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
आंसर इज मींस हेल्थ का क्या रोल है. ए हेल्दी पर्सन कैन फुलफिल हिज पोटेंशियल. ठीक है, एक हेल्दी पर्सन ही होता है जो अपनी पोटेंशियल को फुलफिल कर सकता है. मींस एक मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है या कोई भी संस्था है या कहीं भी, तो वो अनहेल्दी पर्सन को बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिकॉज वो ना तो अच्छे से वर्क कर पाएंगे और ना ही वो उनकी किसी भी तरह से अपनी वैल्यू को वह एड कर पाएंगे. ठीक है, सो ए पर्सन रिक्वायर्स एन एबिलिटी टू फाइट इलनेस विद एक्सेस टू चीप हेल्थ केयर. ठीक है, मीन्स हेल्थ जो है, एजुकेशन जो है, ये हमारे लिए न्यू सेंटर्स खोलती है, एज यू ऑल नो. सो ओनली हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. ठीक है, मीन्स कि हेल्थ का भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है. वहां से हमें अपनी एबिलिटी का पता चलता है कि हम इलनेस से कितनी फाइट जो है कर सकते हैं किसी भी बीमारी से विद एक्सेस टू चीप हेल्थ केयर. ठीक है, लेकिन हम एक चीप हेल्थ केयर के साथ एक्सेस नहीं हो सकते, मीन्स हमारी जो पहुंच है वो नहीं बन पाती है. और हम मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एम्प्लॉय है तो वो एफिशियंटली चाहेगा कि उसको वो एफिशियंसी वर्क करे. एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स ए लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मीन्स एक अनहेल्दी पर्सन अगर हम चूज करते हैं या हम देखते हैं कि वो डेली रूटीन में जो है बीमार चल रहा है, तो वो वहां पे लायबिलिटी ही रहेगा, एक एसेट बन के काम नहीं करेगा. सो दिस वुड अलाउ हिम टू वर्क विदाउट एब्सेंस एंड कैन फोकस ऑन वर्क. ठीक है, तो हेल्थ ही है ऐसा कि जो हमें अलाउ करता है कि टू वर्क विदाउट एब्सेंस. देखो, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम एब्सेंट भी बहुत कम रहेंगे, मीन्स छुट्टियां भी बहुत कम करेंगे, एंड कैन फोकस ऑन वर्क, अपने वर्क पे फोकस करेंगे. अगर हम अनहेल्दी रहेंगे तो हमारा कंप्लीटली फोकस किस पे रहेगा, अपनी बॉडी के ऊपर, कि अभी मुझे यहां पेन हो रहा है, अभी मुझे यहां पेन हो रहा है. लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है. सो हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर दिस. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुमोरो वी विल डू अवर रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू. टुडे यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन, दीज फोर क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक. ओके.